तो आज आपके जी, हिंदी कराइए। हिंदी कविता पाठ का कंपटीशन है आपके। तो इसमें जैसे कि पहले बताया गया था कि आपको कविता अपनी पाठ्य पुस्तक की नहीं बोलनी है, कोई दूसरी कविता बोलनी है। दूसरी चीज, हिंदी की ही कविता बोलनी है, कोई इंग्लिश की कविता नहीं बोलेगा। और तीसरी चीज ये है कि जब आप कविता बोलोगे तभी आपको अपना माइक और कैमरा खोलना है, बाद बाकी माइक कैमरा बंद रखने, ठीक है? जिस टाइम कविता रीड करोगे और वही बच्चा माइक कैमरा खोलेगा जो कविता पढ़ रहा होगा, बाद बाकी सारे बच्चे माइक कैमरा बंद करके रखेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? सारे बच्चे माइक कैमरा बंद कर लीजिए, जो बच्चा कविता रीड करेगा पढ़ेगा वही माइक कैमरा अपना खोलेगा, बाद बाकी सबको बंद करना है, ठीक है? अब कविता जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले अपना नाम बताओगे और क्लास और सेक्शन बताओगे, नाम और सेक्शन, फिर कविता को। बिल्कुल भी सही से आवाज बेटा सही आ रही है, आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, ठीक है? किसी किसी बच्चे के खुद में नेटवर्क में इशू होता है तो वो बीच में यहाँ पर बोलेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको बोलना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, टाइप करना है, ऐसे चिल्लाना नहीं है माइक खोल के, किसी भी टाइम पे चिल्लाना नहीं है। रही अगर आवाज नहीं आ रही है तो वो आपका पर्सनल इशू हो सकता है, ठीक है? बीच में कोई भी बच्चा नहीं चिल्लाएगा खोल के माइक कि हाँ ये सर नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जितनी आवाज आ रही है सबके पास पहुंच रही है, अगर नहीं आ रही तो वो आपका पर्सनल इशू है। बाद बाकी जिसको जैसे कि कुछ नाम आए हैं उनको हम पहले प्रिफर करेंगे, जो फिर नहीं नाम है जो बाद में बोलना चाहते हैं वो बाद में अपना बोल सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल तो पहले हम शुरू करते हैं। फाइव ए में मैथिली श्रीवास्तव यहां पर है, ज्वाइन। सर। माइक कैमरा खोल के अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करो। मैं मैथिली श्रीवास्तव, कक्षा 5th। मेरे कविता का शीर्षक है घर। थककर आता था तो सुलाता था घर, आज भी हर मुसीबत से बचाता है घर। बाहर खतरा मंडरा रहा है, एकजुट कैसे होए हमें सिखाता है घर। बचपन गुजरा जो जैसे बहुत पुरानी बातें, आज याद बचपन की दिलवाता है घर। धन्यवाद। चलो अच्छा है। बहुत अब अच्छे बेटा। मैथिली श्रीवास्तव के बाद प्रतीका बाथम यहां पर है। प्रतीका बाथम नहीं है। प्रतीका बाथम बेटा अपना माइक कैमरा खोलो और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करो। दरवाजे उसकी माँ ने भी किया, उसको बुला लिया, कहकर आ जा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल ने किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट प्रतिभागी हैं योगिता गुर्जर। योगिता गुर्जर हैं यहाँ पर प्रेजेंट? चलो योगिता गुर्जर नहीं है। तो इसके बाद शौर्य सिंह। आदरणीय सर, मैडम ने उपाध्याय गई सोच में गिर गई, यही जीने लगी। आंखें छोड़ कर मैं अकेली, आंखें छोड़ कर जा रही उदास यूं सोचती, थोड़ी घबराई सी थोड़ी अनमनी,
सोचती थोड़ी घबराई शिखरी अनमनी भे गई उसका ऐसी हवा जो समुंदर और आई अनमनी एक सुंदर सीप का मीठा खुला वो सी में जा पड़े मोती बनी वो सी में जा पड़े मोती बनी निकल कर है बादलों की गोद से ऊंद गिर कर सीप में मोती बने लोग यूं ही हैं चुटके सचते बच्चों को छोड़ना पड़ता है घर किंतु घर का छोड़ना अच्छा उन्हें जिंदगी कुछ और ही देता करे जब निकली बादलों की गोद से तभी तो वो बूंद एक मोती बनी। थैंक यू। वेरी गुड, अच्छी प्रस्तुति। अब योगिता गुर्जर आई है कि नहीं आई? योगिता गुर्जर, अब बारी है अन्विषा खजुरिया। अन्विषा, यस सर। हाँ बेटा, अपना माइक कैमरा खोल लो, फिर अपनी माइक और कैमरा खोलो। अन्विषा खजुरिया क्लास 5A। मेरा टॉपिक है प्यारी माँ। हमारे मुंह से पहला शब्द जो निकलता है वह है माँ। जो एक अक्षर का छोटा शब्द लेकिन कितना प्यारा है। रात भर गीले में रहकर खुद जागे और हमें सुलाए बिना मांगे खिलाए पिलाए कभी भी ना हमें रुलाए हाथ पकड़ के चलना सिखाया पढ़ना सिखाया लिखना सिखाया बड़ों का आदर सिखाया छोटों से प्यार शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया उन्हीं की दिखाई रहकर हम सदा चलते रहे अपनी प्यारी माँ के कदमों पर शिष्टा झुका रहेंगे रहते रहेंगे। सर हमारे पॉइंट खत्म हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी कविता थी, आपने माँ के बारे में अच्छे से बताया। अब नेक्स्ट प्रतिभागी हैं हर्षित मंडलोई, प्रेजेंट हैं हर्षित। हर्षित मंडलोई, हर्षित आया क्या? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम है हर्षित मंडलोई बेटा और हर्षित, आज मैं एक कविता मिनट सुनाने जा बेटा, रहा हूँ। अपना कैमरा खोलो, पहले कैमरा भी खोलो फिर प्रेजेंट करो, हाँ तब ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। माइक खुला है, कैमरा भी खोल लो हर्षित। अब एक मिनट हर्षित, बेटा हर्षित, हर्षित आवाज नहीं आ रही क्लियर आपके, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू है। देखो थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू है, मोबाइल को थोड़ी ठीक जगह पे रखो, नेटवर्क क्लियर आए जैसे। हाँ हाँ अब आ रही है, ठीक है। मोहन से तो आ गई है मेरी कटी अच्छे तो पाठशाला जाने से मिली मुझे छुट्टी अम्मा दोस्त मेरे आकर मुझको वह पाठशाला ले जाता था दस बजते हैं इस समय तो वह अपने घर मोहन बुरा नहीं है अम्मा मैं उसको करती हूँ फिर भी जाने क्यों होताया करती है उससे तकरार यह करती होने पर आ रहा है मोहन आते उसको देखती बोले करती तो है मोहन फिर तू कैसे आए हो चलो दोस्ती कर ले फिर से दे दो हमको बिच फूल हमें खिला दो खाना अम्मा अब हम जाएंगे स्कूल धन्यवाद।
ओके वेरी गुड हर्षित। अब नेक्स्ट प्रतिभागी हैं माधव शर्मा, प्रेजेंट है यहाँ पर माधव यस शर्मा। सर, माइक कैमरा खोलो। हाँ मैं शर्मा कक्षा 5वीं से कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चार चने। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। थैंक यू। वेरी गुड। और कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी प्रस्तुति देना चाहता हो यहाँ पर? सर काव्या काव्या सेन। सेन, एक मिनट बेटा, अब वृंदा कुमावत, हाँ वृंदा कुमावत, दिव्यांशी जैन। दिव्यांशी जैन। और कोई है इनमें से? अगला फिफ्थ बी के, हाँ फिफ्थ अच्छा फिफ्थ बी। बी के बच्चे बताना कौन कौन है काव्या सेन। और बेटा फिफ्थ बी के बच्चे बताओ कौन कौन है काव्या सेन के अलावा। मैम काव्या और सेन, बेटा और दूसरा कौन है फिफ्थ बी मैम में से? और कोई दिव्यांशी है? जी क्लास फिफ्थ है। नहीं दिव्यांशी ने काव्या सेन फिफ्थ बी, बाकी तो बच्चे बेटा सब फिफ्थ ए के हैं। देखो फिफ्थ ए के बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं, सबने पार्टिसिपेट करा है और केवल काव्या है। हाँ बहुत ही प्यारे बच्चे यार, इन बच्चों के लिए तो क्लैपिंग बनती है। बाद में क्लैपिंग करूंगी मैं तुम्हारे लिए। जी मैम बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं काव्या, ओके कोई बात नहीं। बाकी जितने बच्चे हैं चलो अब आप अपना बजाओ अपना। ठीक है अब हाँ कौन तो सुना रहा है अभी? काव्या सेन अब अपनी माइक कैमरा खोल के अपनी प्रस्तुति दो। काव्या सेन तो बेटा हाँ नमस्कार शिक्षक गण, मेरा नाम काव्या, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा। आपके सामने हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी शान। तो लीजिए प्रस्तुत है। हिंदी एक वरदान, हिंदी एक वरदान, इसके हर अक्षर में अमृत, शब्द शब्द में रस की खान। भारत के माथे की बिंदी, हिंदी मेरा जीवन प्राण। हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है ईश्वर का वरदान। हिंदी एक वरदान, हिंदी एक वरदान। धन्यवाद। वेरी गुड, काफी अच्छी प्रस्तुति। नेक्स्ट प्रतिभागी हैं वृंदा कुमावत। वृंदा कुमावत बेटा अपना माइक कैमरा खोलो। हाँ मेरा नाम वृंदा कुमावत है, मैं 5वीं की छात्र। मैं आपके सामने एक कविता पेश करूंगी, उसका नाम है चल रे मटके टमकटू। मैं बहुत दिन चलती थी लाठी पे टेक, उसके पास बहुत माल जाना था उसको ससुराल। मगर रहा मैं सीते छीन लेते थे राही को घे, बुढ़िया ने सोची तक तरकीब, जिससे चमक उठी उसकी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा चौड़ा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गति जाती यूं चल रहे मटके टमक तो। धन्यवाद। वेरी गुड वृंदा। अब नेक्स्ट प्रतिभागी हैं यहाँ पर दिव्यांशी जैन। दिव्यांशी जैन बेटा अपना माइक कैमरा खोलो। नमस्कार, मैं दिव्यांशी जैन कक्षा 5वीं की छात्रा आपके समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसी है मेरी हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े वो मजबूत है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी।
जिसने सीमा को समझा ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। और कोई है ऐसा बच्चा जो? इसका नाम क्या था? ये दिव्यांशी जैन। नाम क्या था? दिव्यांशी जैन। अच्छा, दिव्यांशी, दिव्यांशी जैन। हाँ, सीमा जैन आ रहा था इसलिए। और कोई बच्चा प्रस्तुति करना चाहता है क्या? और कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी प्रस्तुति देना चाहता हो? यानी टोटल इतने ही प्रतिभागी थे यहाँ पे। योगिता गुर्जर आई कि नहीं आई? योगिता गुर्जर, चलो तो यानी यहीं तक प्रतिभागी हैं आपके। चलो बहुत अच्छा है बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी अपनी और बहुत अच्छे, अच्छा लगा। अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की, बहुत अच्छा रहा। अब मैडम कुछ बोलना चाहेंगी आप? हाँ सर, बहुत दुख है फिफ्थ बी के बहुत बच्चे कम आए। केवल काव्य नाम तो मेरे पास 3 थे, लेकिन वो श्रेयांश और उनके दादाजी दोनों बच्चों के एक्सपायर हो गए, तो इसलिए वो कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले पाए। वो दोनों बच्चे थे ना, तो उन दोनों बच्चे का नाम थे, वो नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, पर जिन बच्चों ने भी लिया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र रहे। आप और अच्छी कोशिश कीजिए, सभी की बहुत अच्छी कोशिश थी। और कुछ बच्चों ने तो बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, और हिंदी पर खास करके, तो सभी बच्चे, उनके माता पिता सब बधाई के पात्र हैं। और मैं मोहित सर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मोहित सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया। और थैंक यू सो मच सर आपके सहयोग के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। तो बच्चों आज आपकी यही कविता पाठ प्रतियोगिता का यहीं पर समापन होता है, तो आप लोग अपने एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रतियोगिता है उसकी तैयारी कर सकते हो। 23 तारीख को आपकी कहानी पाठ की प्रतियोगिता है, उसमें भी पार्टिसिपेशन के लिए आप तैयार हो सकते हो। ठीक है, चलो बाद बाकी आप रिमूव हो जाओ आप लोग। सर माधव शर्मा लेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है।